दिल्ली में मंगलवार को होने वाली एनडीए की बैठक से पहले एलजेपी के दोनों गुटों यानी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में जुबानी जंग छिड़ गई है। इस जंग के पीछे मुख्य वजह है हाजीपुर लोकसभा सीट। इस सीट पर चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ने अपना दावा ठोकते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में यहां से लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की परंपरागत सीट है। इसमें अभी पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, जबकि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। बता दें, चिराग पासवान हाल ही में एनडीए में शामिल हुए। वे मंगलवार को होने वाली एनडीए की बैठक में भी शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में हाजीपुर सीट पर दावेदारी ठोकी है। उन्होंने कहा, हाजीपुर पर दावा करने के लिए मेरे पास अपनी वजह है। वो सीट मेरे पिता रामविलास की पर्याय है और हाजीपुर के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। उधर चिराग के चाचा पशुपति पारस भी हाजीपुर पर अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में चाचा के दावों पर उन्होंने कहा, हर कोई अपने दावे करता है। वो वहां से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन हाजीपुर से दावेदारी के मेरे अपने कारण हैं। मैंने जब से होश संभाला है, तब से अपने पिता रामविलास को वहां प्रतिनिधित्व करते देखा। कुछ काम उन्होंने किए, कुछ रह गए, इसलिए हाजीपुर के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। उनके बचे हुए कामों को पूरा करना अब मेरा कर्तव्य है। चिराग ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी। वहीं जब उनसे चाचा पशुपति पारस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मेरे चाचा हैं, उनके खिलाफ कभी कोई टिप्पणी नहीं की। इंटर 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।